बालाघाट में होगा ऑल इंडिया महिला पुरुष कुश्ती दंगल प्रतियोगिता। 5 अक्टूबर को होने वाले इस प्रतियोगिता को लेकर आयोजन समिति ने एक बैठक की है, जिसमें कार्यक्रम को लेकर समीक्षा की गई है। बताया जाता है कि ऑल इंडिया विशेष पर इस कार्यक्रम में पहलवानों का दंगल देखने को मिलेगा। खनन पदाधिकारी बनकर कर रहा था वसूली, जमुई में ग्रामीणों ने पकड़ कर किया पुलिस के हवाले। 25,000 रुपए की डिमांड पर ग्रामीणों ने घेरा, कभी DTO तो कभी खनन पदाधिकारी बनकर वसूली करने वाला एक शख्स जमुई से पकड़ा गया है। पूर्व में टाउन थाना का रह चुका है चालक। सिकहरना में इस कारण हंगामेदार रही बैठक। पंचायत भवन में पंचायत समिति की बैठक हंगामेदार रही। बैठक में समिति के सदस्यों ने कई मुद्दों पर अपने प्रस्तावों के अनुपालन नहीं करने से नाराजगी जताई तथा जमकर हंगामा किया। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी तथा CDPO पर कई गंभीर आरोप लगाए गए तथा उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। इसके अलावा कई अन्य विभागीय पदाधिकारियों के प्रति भी पंचायत समिति के सदस्यों में नाराजगी देखी गई। दरभंगा के सिंहवाड़ा में सायकालीन आरती में भरवारा में उमड़ रही है श्रद्धालुओं की भीड़। भरवारा में सायकालीन आरती में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। शाम होते ही माता रानी के चरणों में दीप जलाने के लिए भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। मनभावन आरती के गीतों से पूरा दरभंगा का इलाका गुंजायमान। पिपरा कोठी में हुई स्वच्छता अभियान की शुरुआत। बापू धाम चंद्र हरिया स्थित गांधी जी के प्रतिमा पर बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह एवं संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार ने स्वच्छता का संदेश लेकर माल्यार्पण किया, गांधी के संकल्प यात्रा की शुरुआत की। इस अवसर पर कार्यक्रम को भी उन्होंने संबोधित किया तथा कहा कि गांधी के कदमों पर हमें चलने की जरूरत है। फोन नहीं उठाने पर गर्भवती महिला को कुदाल से काटकर मार डाला। बताया जाता है कि पति ने अपनी पत्नी की ही हत्या कर दी है। यह घटना बिहार के नालंदा जिला से जुड़ा हुआ है। नालंदा में इस्लामपुर थाना क्षेत्र के गुलजारबाग गांव में एक गर्भवती महिला को उसके पति ने महज इसलिए मार दिया कि क्योंकि उसकी पत्नी ने फोन नहीं उठाया था, लिहाजा कुदाल से काट कर पत्नी की हत्या कर दी गई। बिहार में जल प्रलय की स्थिति पर तेजस्वी तेज प्रताप के गायब होने पर सूबे में चढ़ा सियासी पर। बिहार की राजधानी पटना समेत कई जिलों में बीते दिनों से भारी बारिश एवं बाढ़ के कारण लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बिहार के कई जिलों में जल प्रलय की स्थिति है। ऐसी स्थिति में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उनके बड़े भाई एवं राजद के विधायक तेज प्रताप यादव के बाढ़ पीड़ितों के बीच से गायब रहने को लेकर भाजपा ने सवाल खड़ा किया है। भाजपा सांसद राकेश सिन्हा ने तेजस्वी और तेज प्रताप पर निशाना साधते हुए कहा है कि बिहार के लिए यह दुर्भाग्य करार देने का बात है। जदयू के वरिष्ठ नेता KC त्यागी ने भी तेजस्वी और तेज प्रताप के गायब रहने पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में शून्य पर आउट होने के बाद भी अंडरग्राउंड हैं, कभी कभी दर्शन देते हैं फिर अंडरग्राउंड हो जाते हैं, आखिर माजरा क्या है समझ में नहीं आता। कांग्रेसी नेता अखिलेश सिंह ने कहा कि दोनों भाइयों के गायब रहने पर यह सवाल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से पूछना चाहिए। मालूम हो कि बीते दिनों चमकी बुखार से प्रदेश में करीब 200 बच्चों की मौत हो गई थी। बावजूद बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अज्ञातवास पर थे, जिसको लेकर भी सत्ता पक्ष के नेताओं ने उन पर हमला किया था। इधर अब देखना है कि राजद के तरफ से क्या कुछ बयान आता है। बिहार में रावण की लंका डूबी, बाढ़ ने राम दशरथ और जनक सबको दिया वनवास। भागलपुर से यह खबर है। बिहार में भागलपुर के नाथनगर में बाढ़ में इनके गांव और घर भले ही डूब गए, लेकिन रामलीला में अपना किरदार निभाने वाले इन कलाकारों की आस्था की लौ तनिक भी मध्यम नहीं हुई है। नाथनगर के अजमेरीपुर बैरिया के रहने वाले ये कलाकार हैं। बाढ़ की विभीषिका झेलने के बाद ही रोजाना नाथनगर पहुंच रामलीला में अपनी कला को जीवंत कर रहे हैं। किरदार अदायगी के बाद इनका अस्थायी ठिकाना महाशय डीओढ़ी का बाढ़ राहत शिविर बनता है, जहां वे अपने परिवार और पूरे गांव के लोगों के साथ आसरा लिए हुए हैं। बेटी की मौत का बदला लेने के लिए की थी युवक की हत्या, औरंगाबाद की यह घटना थी। इस मामले में हुई गिरफ्तारी। बिहार में औरंगाबाद जिले के नबी नगर एवं खैरा थाना क्षेत्र के बीच दो दिन पूर्व पिंटू कुमार सिंह की हत्या में शामिल एक अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही हत्या में प्रयोग किया गया हथियार भी बरामद किया गया है। इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक दीपक बरनवाल ने दी है। उग्रवादियों को मुख्यमंत्री की चेतावनी, समय देता हूँ सरेंडर करो नहीं तो पाताल से ढूंढ कर मारेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने उग्रवादियों को सख्त संदेश दिया है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि समय देता हूँ सरेंडर कर दो नहीं तो पाताल से ढूंढ कर मारेंगे। जोहार जन आशीर्वाद यात्रा के क्रम में मुख्यमंत्री ने गुरुवार को
सिमडेगा और गुमला में जनसभाओं को संबोधित करते हुए यह बातें कही। कोलकाता के शॉपिंग मॉल में लगी आग। कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में स्थित एक शॉपिंग मॉल में गुरुवार को आग लग गई। दमकल विभाग के एक अधिकारी ने बताया है कि मॉल को खाली करवा लिया गया है, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सॉल्ट लेक में स्थित बैसाखी हाउसिंग इस्टेट के पीछे बने मॉल में लगी आग को बुझाने के लिए दमकल की कम से कम 9 गाड़ियां लगाई गई। हावड़ा स्टेशन में प्रवेश के दौरान डाउन मोसाग्राम लोकल ट्रेन बेपटरी हुई। इस दौरान ट्रेन की 2 बोगियां रेल लाइन से उतर गई। उक्त घटना हावड़ा स्टेशन की 5वीं लाइन में RRI केबिन के पास हुआ है। आर्टिकल 370 पर JNU में सेमिनार के दौरान आपस में फिरे छात्रों का 2 गुट। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में गुरुवार को अनुच्छेद 370 को लेकर हुई सेमिनार के दौरान छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच नारेबाजी के बाद हाथापाई की स्थिति बन गई। गोरौल में बेहतर कार्य करने वाले BLO किए गए सम्मानित। बापू सभागार में मतदाता सर्वेक्षण सूची में लगे BLO को अच्छे कार्य करने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा सम्मानित किया गया। प्रखंड के सभी मतदान केंद्रों पर चल रहे सर्वेक्षण कार्य में लगभग 14 मतदान केंद्रों के BLO को सम्मानित किया गया। बाढ़ पीड़ितों के लिए युवाओं ने एकत्र की सहायता राशि। जमुई में BSDC के लर्नर ने बाढ़ पीड़ितों को दी सहायता राशि। मिलेनियम स्टार फाउंडेशन ने बाढ़ पीड़ितों के लिए बढ़ाया मदद का हाथ। जमुई में कर्मियों ने सदर अस्पताल के ऊपर उपाधीक्षक को समारोह पूर्वक दी विदाई। गुरुवार को सदर अस्पताल के संवाद कक्ष में सफल कार्यक्रम पूरा होने पर पदाधिकारियों और कर्मियों ने अपर उपाधीक्षक सहायक अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी गैर संचारी रोग डॉक्टर नगीना पासवान को विदाई दी। मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर श्याम मोहन दास की अध्यक्षता में समारोह का आयोजन किया गया। प्राणी दिवस पर जमुई में निकाली गई जागरूकता रैली। बुधवार को वन प्रमंडल जमुई की ओर से विश्व वन्य प्राणी दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वन विभाग की ओर से शहर में जागरूकता रैली वन विभाग के कर्मियों द्वारा निकाली गई। संपाद विभाग को मिली बड़ी सफलता। जमुई में भारी मात्रा में शराब भरे 2 वाहन सहित 2 तस्कर किए गए गिरफ्तार। 2 वाहनों से 24 कार्टून विदेशी शराब एवं 1590 पाउच देसी शराब बरामद किए गए हैं। खबर मिल रही है कि गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने यह कार्रवाई की है।